आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 32। प्रैक्टिस सेट 32 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन है, एक अमर नाम का लड़का है, जिसने 400 अंडे खरीदे 1500 रुपीज़ में, ठीक है। और उसका ट्रांसपोर्ट का जो बैलेंस हुआ, अभी आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, सपोज़ आप अपने घर से थोड़ी दूर पे सामान खरीदे तो वहीं तो छोड़ोगे नहीं उसको, उसको तो लाओगे ही ना घर पे। तो उसने वहाँ से खरीदे अंडे 1500 रुपीज़ में और 300 रुपीज़ लिया और ट्रांसपोर्ट का चार्ज वाहन का, वहाँ से आने के लिए, ठीक है, जिसमें से 50 अंडे फूट गए या ब्रेक हो गए, टूट गए, ब्रोकन हो गए। बचे हुए अंडे जो थे उसने 5 रुपये का एक अंडा बेचा। तो अभी आपसे पूछना है कि बताइए उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए टोटल अमाउंट जितना एक से जो है 1500 रुपीज़ खरीदा और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों मिला के आपकी कॉस्ट प्राइस बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस वो हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 1500 रुपीज़ के एक्स थे और प्लस 300 रुपीज़ किसके हैं, 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के, दोनों को ऐड करेंगे 1800 रुपीज़ आया। यहाँ से हमको ये पता चला कि जो एक्स है वो हमें कितने के पड़े, 1800 रुपीज़ के ऑन द शॉप तक पड़ा, ठीक है, शॉप तक लाने का 1800 रुपीज़ पड़ा। अभी देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि 1500 जो है इसमें से ब्रेक हो गए, टूट गए। यहाँ लिखेंगे 15 x out of 400 x। तो यहाँ क्या करेंगे, 400 में से 50 सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा आंसर 350। मीन्स 350 जो है x वो सेफ है, वो सेफ है। तो 350 जो x है उसने एक x को, एक अंडे को 5 रुपये के अकॉर्डिंग बेचा। तो अभी आपसे पूछ रहा है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट या लॉस हमें कब पता चलेगा, जब उसने टोटल प्राइस जो लगाया है उससे ज़्यादा अमाउंट आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर उससे जो कम अमाउंट आएगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये कॉस्ट प्राइस हुआ, अब जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 350 x एट 5 रुपीज पर एक, ठीक है, पर एक मीन्स एक एक पे 5 रुपए। यहाँ हो जाएगा 350 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 500 × 525 1750 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, वो बिगर है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ, मीन उसने 1800 रुपये लगाया और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसने उसका इनकम कितना हुआ 1750 रुपीज़। तो मीन्स 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो नया लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, या हम CP भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CP - SP सबट्रैक्ट करेंगे 1800 - 1750, तो कितना आएगा 50 रुपीज़। मीन्स 50 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ, ठीक है। अगर आप देना चाहें इसी शॉर्ट लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब्राहम करके एक पर्सन है जिसने गुड्स परचेज किया 50,000 रुपीज़ में एंड इसको 7,000 रुपीज़ में ट्रांसपोर्ट एंड जो उसका रिपेयरिंग का था वो चार्जेस आया, और उसने जो बेचा है उसको गुड्स को बेचा 65,000 का। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस में जितने का उसने खरीदा है और ट्रांसपोर्ट का जितना उसका चार्ज लगाया है दोनों को ऐड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50,000 प्लस 7,000, दोनों को ऐड करेंगे 57,000 रुपीज़ उसे क्या होगा, उसने परचेस किया है इतने में, ठीक है। तो जो उसका गुड्स है मीन्स जो उसने सामान खरीदा उसमें उसने इतना स्पेंड किया। अब देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ,
देखिए उसने बेचा है कितने में, 65,000 में। 65,000 सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या है, बिगेस्ट ट्रेंड इससे कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, एस पी माइनस सी पी, दोनों को सेपरेट करेंगे, 65,000 माइनस 57,000 सेपरेट करेंगे, आंसर आएगा 8,000 रुपीज, मीन्स उसको 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ऐसा करता हूँ, बताएगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर आप देना चाहें तो इसमें छोड़ लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अजीत कौर ने 50 kg ऑफ शुगर की एक बोरी खरीदी, ठीक है, उस बोरी में, बोरी को लेने के लिए उसने 1750 रुपीज स्पेंड किया, ठीक, और लेने के बाद उसको 32 रुपीज पर kg के अकॉर्डिंग सेलिंग कर दिया। तो अभी आपसे पूछ रहा है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर, उसका प्राइस है 1750 रुपीज, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस देखना है आपको, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर कितना रुपीज दिया, 30 रुपीज के अकॉर्डिंग में चार, यहाँ लिख लीजिए 1 kg शुगर 32 रुपीज, ठीक है, 32 रुपीज। अब आपको क्या निकालना है कि अगर 1 kg का 32 रुपीज है तो 50 kg का कितना होगा, सेम अकॉर्डिंग नोट करेंगे, यहाँ पे 32 × 50, 5 × 10 = 0, 5 × 15 = 16, 0 मीन्स 1600 रुपीज का उसे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1600 रुपीज है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग कि सेलिंग प्राइस कितना है, उसने बेचा कितने 1600 रुपीज में, और परचेज कितने का किया था, 1750 रुपीज में, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, यही से पता चल रहा है हमको, तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ सेपरेट कर दीजिए, 150 रुपीज का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लेना चाहें तो इसे छोड़ जाइए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुसुम टाई ने 80 कुकर्स परचेज किए हैं, पर कुकर 700 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा उस पर कितना आया है, 1280 रुपीज। अब आपसे पूछ रहा है कि एक कुकर को वो कितने रुपए में बेचें कि उनको 18,000 रुपए का फायदा हो, ठीक है, प्रॉफिट उनकी 18,000 रुपीज की हो। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, जो कॉस्ट है उसका वो कितना है, प्राइस ऑफ वन कुकर वो है 700 रुपीज, तो कुकर के नंबर ऑफ कुकर है 80 कुकर्स, क्या हो जाएगा 80 × 700, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स उनको 80 कुकर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 56,000। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस में वो कितने का 80 कुकर सेलिंग करें कि उनको 18,000 रुपीज का प्रॉफिट हो, 18,000 रुपीज इसके, इसको छोड़ कर, ठीक है, ये जो ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस को छोड़ के लो और तभी आपको प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपने क्या निकाला, 80 कुकर्स का प्राइस, अब आपको यहाँ पे क्या इसमें ऐड करना है कि ट्रांसपोर्ट का जो प्राइस था वो भी ऐड करना है, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट पे 1280 रुपीज़ था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे अब हम, 1280 रुपीज़ दोनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आया आपका 08275। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है, कि 80 कुकर को परचेज करने के लिए उन्होंने इतना रुपीस स्पेंड किया है। अब हम निकालेंगे कि वो कितना एक कुकर को कितने के अकॉर्डिंग बेचे कि उनको टोटल फ़ायदा हो 18,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब यहाँ करते हैं प्रॉफिट, अब आपको सेलिंग प्राइस में क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि उसको कितने के अकॉर्डिंग बेचें कि इतना फ़ायदा हो या इतना अमाउंट का फ़ायदा हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए जितना अमाउंट आपको दिया गया है, जितना अमाउंट का टारगेट दिया गया है कि 18,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप उसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस में यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको छोड़ के 18,000 रुपीज प्रॉफिट चाहिए था, तो हम यहाँ पे 18,000 रुपीज इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस में, आप इसको ऐड करेंगे जब तो आएगा 75,280 रुपीज, ये आपका टोटल आया, ठीक। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कुकर जो है वो 80 है, 80 में इसको इसमें 80 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ वन कुकर को निकालने के लिए का प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आप 80 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 18, टोटल नंबर ऑफ कुकर जितने हैं उसे डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 941 रुपीस। मीन्स कि वह एक कुकर को अगर 941 रुपीस में उसने सेलिंग किया है तो उसे 18,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।